एक उपकार दशरथ जी महाराज के ऊपर किया है जटायु जी ने, बताएं कि नहीं बताएं? हैं? बताएं? बहुत अच्छा। एक बार महाराज चक्रवर्ती दशरथ संतों के साथ में विराजमान थे, अनेकों संत थे, तो अचानक से एक ज्योतिषी आए और उन ज्योतिषी ने एक बात बताई। ज्योतिषी ने बताया कि आने वाले समय में बहुत बड़ा कष्ट प्रजा के ऊपर आने वाला है। बोले क्या संकट आने वाला है? 12 वर्ष तक भयानक अकाल पड़ेगा। बोले ऐसा क्यों पड़ेगा? बोले इसलिए पड़ेगा क्योंकि शनि को, कृतिका नक्षत्र को अंतिम चरण में देखकर कहा कि यह जो रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भी भेदन भी कहा जाता है, यह शनि का रोहिणी में जाना, रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना शनि का, ये देवताओं को दुख देगा, ये दैत्यों को दुख देगा, ये प्रजा को भी दुख देगा। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि इतना बड़ा संकट जब आने वाला है तो कोई तो उपाय होगा इस संकट से बचने का, कोई तो उपाय आप बताएंगे। गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव आप कृपा करके बताइए प्रजा को इस संकट से कैसे बचाऊं, प्रजा कैसे इस संकट से बच सकती है, कोई तो उपाय बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका हल कोई नहीं है और शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि इस योग का दुष्प्रभाव तो ब्रह्मा और इंद्र जैसे देवताओं पर भी पड़ेगा, वो भी असमर्थ है इसमें सहायता करने के लिए, वो भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। दशरथ जी महाराज को लगा कि ऐसे हाथ पे हाथ रखने से बात नहीं बनेगी, ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो बात बनेगी नहीं, ये बात ठीक नहीं है। और आप लोग सभी समझ लीजिए, जहां सब लोग ये कह रहे हैं कि ये घटना घट के रहेगी, ये स्थिति बन के रहेगी, इससे इजली मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ब्रह्मा जी भी इसको टाल नहीं सकते, दशरथ जी महाराज को लगा किसी भी तरीके से इस घटना को टालना ही चाहिए, टालना ही है। कैसे टाले? दशरथ जी महाराज ने रथ को तैयार किया, हाथ में धनुष लिया, धनुष लेकर आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र में तारामंडल में पहुंच गए। चंद्रमा से भी ऊपर 3 लाख योजन ऊपर पहुंचे। ये सामर्थ किसमें? जोर से बोलो। दशरथ जी में। हम लोगों ने अभी चंद्रयान पर विक्रम लैंडर पहुंचाया है, एक तो इसके लिए तालियां कि हमारे साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा काम किया, निश्चित बहुत साधुवाद के पात्र हैं, और उस क्षेत्र में उतारा है विक्रम को जहां कोई नहीं पहुंचे, आज तक कोई नहीं पहुंचा है ना, तो ये साधुवाद का पात्र है। लेकिन ये कहां पहुंचे? चंद्रमा पे आवाज। और दशरथ जी कहां पहुंचे? चंद्रमा से भी ऊपर 3 लाख योजन ऊपर तारामंडल में, तारामंडल में प्रवेश कर गए 3 लाख योजन ऊपर। मणियों से तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी नक्षत्र के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट से जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ का उस समय आकाश में उपस्थित होना ऐसे लग रहा था जैसे कोई दूसरा सूर्य वहां पर प्रकट हो गया, बड़ा अद्भुत तेज उनका हुआ।
शनि को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और शनि के सामने आकर डट गए। महाराज चक्रवर्ती दशरथ शनि के सामने खड़े अपने सामने देव आसुरी के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि हैरान हुए और उन्होंने हंसते हुए राजा से कहा कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा पुरुषार्थ देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। प्रजा के लिए कोई इतना बड़ा पुरुषार्थ करता है कि अपने प्राणों को संकट में डाल दे, जबकि तुम जानते हो कि शनि की दृष्टि कितनी तेज है। शनि की जो पलकें हैं ना, वो पलकें हमारी तुम्हारी जैसी नहीं है। शनि की पलकें लंबी हैं, यहां तक है, यहां तक पलकें। और जब शनि किसी को देखते हैं तो वो पलक उठा के देखते हैं, क्योंकि शनि देव की दृष्टि ही तो सबसे बड़ी खतरनाक है। जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, बस सियावर रामचंद्र की है नहीं, जय, जोर से बोलो, सियावर रामचंद्र की। शनिदेव ने कहा, दशरथ जी, हम आपके इस परोपकार भरे विचार से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ऐसा पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य किसी देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव जितने भी है ना, किसी में नहीं है। शनि की दृष्टि पड़ने के भर से नाम से ही कांप जाते हैं सब लोग। वे राजा दशरथ के तप और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा, हे सूर्य पुत्र शनि, यदि आप प्रसन्न हैं तो तब तक नदियां, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी सकट भेदन बिल्कुल न करें, बड़ी कृपा होगी। सिर्फ उस समय को ही नहीं बचाया दशरथ जी ने, हम सबको भी बचा लिया, अभी तक बचा के रखा हुआ है उनके उस पुरुषार्थ ने। राजा के इस पहले अनुरोध पर शनि एवं मस्त कहे दूसरा वर देने के लिए कहा कि कोई और भी वरदान मांग लो। तभी शनि ने रोक कर कहा, राजन तुम प्रसन्न हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, एक और वर मांग लो। तब दशरथ प्रसन्न होकर शनि से दूसरा वर मांगा कि शनि उन्हें निर्भय करते हुए शनिदेव से वरदान मांग लिया। उन्होंने दूसरा उन्हें निर्भय करते हुए सुस्त किया कि 12 वर्ष तक उनके राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, उनकी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर वापस वहां से आ रहे थे। जब आ रहे थे तो शनिदेव ने अभी तक देखा नहीं था उन्हें, लेकिन शनिदेव की इच्छा हुई, इतना बड़ा पुरुषार्थी व्यक्ति, उसका एक बार दर्शन तो होना चाहिए, एक बार दर्शन हो जाए। अब दर्शन करें तो वो भी जानते थे क्या है, लालच था दर्शन का, वो रोक नहीं पाए। हल्की सी पलक उठाई उन्होंने और इतनी पलक उठाई कि उनकी दृष्टि रथ पे पड़ी, और जैसे ही रथ पे पड़ी तो रथ जल के स्वाहा हो गया, अब दशरथ जी महाराज आकाश से गिरते 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 चले आ रहे हैं। और ये संयोग ही कहेंगे कि जिस समय महाराज चक्रवर्ती दशरथ रथ से नीचे गिर रहे थे, उस समय गिद्धराज जटायु आकाश में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो कोई वीर पुरुष है, जो आकाश में गया होगा कोई साधारण तो नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी पंखों पर महाराजा चक्रवर्ती दशरथ को थाम लिया, बिठा लिया, लिटा लिया और धीरे धीरे लेकर उनको उस आकाश में, अगर नीचे धरती पे गिरते तो क्या होता, वहां से उनको लेके आए और फिर उनको इसी पंचवटी पे ही उनको उतारा, जल इत्यादि उनके ऊपर छिड़का। और जब जल इत्यादि छिड़का तो उन्हें होश आया, और जब होश आया तो पूछा, आप कौन हैं?
बोले हमारा क्या, हम तो गिद्ध है, जटायु हमारा नाम है। राजा दशरथ बोले आप यहां कैसे? बोले आप आकाश से गिर रहे थे, मेरी दृष्टि पड़ गई, मैं आपको ले आया। महाराज चक्रवर्ती दशरथ बोले यह जीवन तो आपका दिया हुआ है, आपका तो मेरे ऊपर उपकार हो गया, आपका ऋण हो गया मेरे ऊपर, आपका दिया हुआ जीवन है, नहीं तो मेरे तो प्राण निकल जाते, मैं आपका क्या उपकार करूं। आज से आप हमारे मित्र हुए, आपने हमारे प्राण बचाए हैं, चलो चलो आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, अब आप जंगल में वन में मत रहो, अब आप अयोध्या में रहना। तो जटायु जी बोले हे राजन, हम लोगों का शहरों में जाना उचित नहीं होता, भवनों में जाना उचित नहीं होता, हमारी तो नीच योनि है, मांस खाने वाले हैं, अगर हम किसी के भवन के शिखर पे पहुंच भी जाए ना तो उन्हें भवन के शिखर की शुद्धि करवानी पड़ती है। तो आप तो महाराज चक्रवर्ती दशरथ हैं, आप तो धर्मात्मा राजा हैं, भला हम आपकी नगरी में कैसे आ सकते हैं? महाराज बोले तो मैं क्या करूं, मुझे कोई तो पुकार करने दो, आपने इतना बड़ा कार्य किया है। तब जटायु जी कहते हैं आप सब मनुष्यों में अंतिम संस्कार करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, मेरी भी एक इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार कोई मनुष्य करे, अगर आपके कोई पुत्र हो तो उसको कहना कि जब भी मेरा प्राणांत हो तो मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारा पुत्र करे। दशरथ जी महाराज के भी नैनों में आंसू आ गए, क्यों आ गए? बोले उनके भी पुत्र नहीं है। वो कहने लगे गिद्धराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अगर कोई संतान हुई तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मेरी ज्येष्ठ संतान तुम्हारा अंतिम संस्कार करे। अच्छा, बहुत समय तक संतान नहीं हुई, जटायु जी से इनका मिलन नहीं हुआ, फिर राम जी आए, फिर इतने उत्सव में आ गए कि ये सब बात दशरथ जी भूल गए, उन्हें याद ही नहीं रहा। और अब जब दशरथ नंदन पंचवटी पे आए तो जटायु जी ने ये बात सुनाई कैसे से तुम्हारे पिता से हमारी मित्रता है, तो महाराज राघवेंद्र सरकार तो यही अपने पिता के वचनों को सार्थक करने के लिए आए थे, तो आज वही पल आ गया कि मुझे आपके साथ, आप चिंता नहीं करिए मैं यहां रहूंगा। और इसीलिए देख लीजिए दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया, पर जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने किया। किया कि नहीं किया, बोलो जोर से, है ना? तो क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।